नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आफताब और श्रद्धा की। लगातार श्रद्धा केस में आफताब को लेकर कई खुलासे और कई अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच फिर एक और बात सामने आई और ये बात है श्रद्धा के पिता की। श्रद्धा के पिता की वो मांग जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं और आप भी उस मांग को जारी रखें जिससे उनकी वो मांग पूरी हो सके। ये मांग पहले भी कोर्ट के पास पहुंची थी। श्रद्धा के पिता चाहते थे कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए जिससे केस जल्दी सॉल्व हो जाए और श्रद्धा और उनके परिवार को इंसाफ मिल सके, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की जांच के लिए उस केस उस बात को उस मांग को ठुकरा दिया। कोर्ट चाहती थी कि ये जो केस है वो पुलिस ही हैंडल करे क्योंकि वो बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकती है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इस केस में एक बार फिर श्रद्धा के पिता ने सीबीआई की मांग की कि सीबीआई जांच करे क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि आफताब कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आफताब पुलिस को गुमराह कर रहा है सवालों से, कई राजों से, कई ऐसी चीजों से, क्योंकि वो कह रहा है मुझे इतना ही याद है, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, मैंने इतना किया था, मैंने गुस्से में किया था। ये चीजों से पुलिस गुमराह हो रही है और पुलिस कहीं ना कहीं जा रही है और चीजें नहीं उसको मिल पा रही है। तो यहाँ पर जो श्रद्धा के पिता की मांग है वो ये है कि सीबीआई को केस सौंपा जाए जिससे जल्द जल्द केस सॉल्व हो जाए और आफताब जितना ज्यादा उसको छूट मिल चुकी है, क्योंकि जितने रिमांड उसको मिल गई है वो सब चीजें कहीं ना कहीं उसकी गलती भुला रही है। तो यहाँ पर जो श्रद्धा के पिता की मांग है तो उनकी जो गुजारिश है वो पूरी हो, इस वजह से ये अपडेट सामने आया है कि श्रद्धा के पिता जो मांग कर रहे हैं कोर्ट से, कोर्ट उसे पूरी कर पाए। साथ ही आपको बता दें कि आफताब को 13 दिन की रिमांड मिली है और 13 दिन की रिमांड के बाद ये तय होगा कि श्रद्धा के केस में श्रद्धा के आरोपी, श्रद्धा के गुनहगार को किस तरह की सजा मिलेगी, क्या उसको फांसी मिलेगी, क्या सजा उसमें रहेगी। श्रद्धा और आफताब के इस केस में एक और लड़की ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। लड़की वो है जिन्हें आफताब डेट करता था, बंबल ऐप के जरिए उन्हें डेट किया और उनको अपने जो है रूम पर बुलाया। ये वो टाइम था जब श्रद्धा की जान लेने के बाद श्रद्धा की बॉडी पीसेस जो है फ्रिज में रखे थे, उस वक्त आफताब उस लड़की को रूम पर लेकर आया। उस लड़की ने बहुत सारी चीजों का खुलासा किया है। साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धा के पिता ने आफताब के परिवार पर भी आरोप लगाया है कि इस केस में जरूर जो आफताब की जो परिवार है वो इसमें मिला हुआ होगा, क्योंकि ये सब प्लान में वो भी शामिल होंगे, क्योंकि वो सब जानते थे कि श्रद्धा को आफताब बहुत पीटा करता था, मारा करता था और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर आफताब का परिवार ये सब कुछ जानता था, उन्होंने कुछ भी श्रद्धा के पिता को नहीं बताया, जो कि श्रद्धा के पिता किस वक्त कंसर्न है और वो लगातार कोर्ट से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सिर्फ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।